पुष्कर जैसा नाम वैसा ही सिटी का काम। इस सिटी का काम है पुश करना। साला सिटी है या मोहब्बत, जब भी आवाज़ लगाती है खींचा चला आता हूँ। पता नहीं कितना अपनापन लगता है यहाँ के घाटों में। पुष्कर की तो हवा भी मुर्दे में रूह फूंक देती है। पहले जानते हैं कि पुष्कर तब से है जब आदम जात का नाम भी नहीं हुआ करता था इस पृथ्वी पे। वो तो ब्रह्मा जी के हाथ से एक फूल का गिरना था और यहाँ पर एक सरोवर का बनना था। पुष्कर आओ और कैमल फेयर में ना जाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं कैटल फेयर के लिए। हेलो गाइस, जब भी पशु मेले का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है पुष्कर का। और आज हम लोग आए हैं आपको दिखाने के लिए पुष्कर का कैटल फेयर। जी हाँ गाइस, यहाँ पर है काफ़ी सारे कैमल्स, हॉर्स, बफेलो और उसके अलावा भी काफ़ी सारे जानवर हैं। तो हम ही धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। मेला ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि लास्ट दो दिन बचे हैं मेले के। तो देखना ये होगा कि कितने जो पशु पालक हैं, जो उनके ऑनर्स हैं, वो यहाँ पर बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। उससे पहले दिखाते हैं आपको राजस्थान रेगिस्तान का जहाज कैमल। तो ये कैमल जो है वो अब आपकी आंखों के सामने, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। नो दिस कैमल, यू आर ऑलवेज, ये देखिए गाइस, बहुत ही शानदार, वाह। ये देखिए गाइस छोटा, ये देखिएगा छोटा बच्चा, ये ऊंट का छोटा बच्चा, ये और ये उससे भी छोटा बच्चा। ये देखिए गाइस फिरंगी भाई कैमल के साथ में सेल्फी लेते हुए। और यहाँ पे है काफी सारे और कैमल्स, ये देखिए गाइस,
श्वेत अश्व आपकी आंखों के सामने चकमगाता रिन की सफेदी वाला घोड़ा लग रहा है ना, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कमेंट तो कीजिए यार, बताइए इतने प्यारे प्यारे घोड़े आपको दिखा रहे हैं, इतने खूबसूरत घोड़े हैं, इनके कद काटे को देखिए। यहाँ हो रही है थोड़ी सी झड़प क्योंकि घोड़े मालिक को काफ़ी घमंड है अपने घोड़ों के ऊपर, तो उन्होंने पब्लिक को झटका स्टार्ट कर दिया है और डंडा लेकर आया इनका मालिक, जो पब्लिक को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था, तो पब्लिक ने लिया बदला इनसे। ये देखिएगा, चारों तरफ आपको कैमल ही कैमल दिखेंगे और आगे की तरफ जो है वो दो तीन हॉर्स भी हैं, वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी टाइम बचा है कम, क्योंकि हमें पुष्कर का जो फेस्टिवल है और पुष्कर के जो टेम्पल्स है वो भी हमें कवर करने हैं और शाम को हमें कवर करनी है यहाँ की स्पेशल आरती, तो वो भी हमें करनी है। तो जितना टाइम हमें यहाँ पे मिल रहा है हम आपको पुष्कर के मेले का कंप्लीट व्यू जो है वो देंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए बहुत ही शानदार व्यू हमें यहाँ से लग रहा है। अब चलेंगे आगे की तरफ कि देखेंगे वहाँ पे और कुछ क्या खास है, जो भी होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। और लेते हैं इस जगह से जहाँ पे अभी खड़े हैं यहाँ से हम लोग लेते हैं विदा। और ये देखिए, तो गाइस दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब आपके सामने है नेशनल सेंट्रल आर्ट फेस्टिवल और शुरुआत करेंगे यहाँ से भोलेनाथ। ये देखिए गाइस, मिट्टी से बने हुए भोलेनाथ जी, और ये देखिए गाइस बसंता करे मनुहार, वोट करो सब नरनार। ये देखिए रेगिस्तान का जहाज कैमल, उसको भी मिट्टी से बनाने की कोशिश की गई है। और ये देखिए ऊंट की मनुहार, आओ चले मतदान करें यार, बहुत ही शानदार। ये देखिए गाइस, अब गया टाइम थाईलैंड बैंकॉक जाने का। ये देखिए गौतम बुद्ध जो है वो मिट्टी से बने हुए और मिट्टी में लेटे हुए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कारीगरी निखरती जाएगी। ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए ये देखिए गाइस, अब बिल्कुल चेंज होने वाला है सिनेरियो आपकी आंखों के सामने। ये देखिए गाइस, ये है पुष्कर फेयर 2023। ये देखिए गाइस, अब ऊपर लहरा रहा है भारत का झंडा। ये देखिए गाइस, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही खूबसूरत कारीगरी का नमूना। ये देखिए गाइस, बहुत ही मिट्टी से बनी हुई ऐसी कारीगरी शायद ही आपने आज से पहले कभी देखी होगी। ये कला आपको दिखाई दे रही है पुष्कर के मरु मेले में। पीछे का व्यू है गाइस कैटल फेयर का, अभी हम लोग यहाँ पे भी जाने वाले हैं, उससे पहले भारत की आन बान शान हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए बहुत ही जान डाल रहा है ये तिरंगा इसके ऊपर सजकर। और ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस,
यहाँ से पूरा पुष्कर का मरु यानी रेगिस्तान आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब चलेंगे विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है विक्रमादित्य का सिंहासन, जिस पे हम भी बैठकर अभी फोटो खिंचवाएंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा विक्रमादित्य का ये सिंहासन आपको। हैं सृष्टि के रोल मॉडल अंजनी पुत्र हनुमान। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ के सबसे लग्जरी घोड़ों की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, भूटिया और जस्करी घोड़े आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएंगे। घोड़े की कीमत आपके और हमारे बजट से बहुत ज़्यादा है। एक गाड़ी ख़रीदना ज़्यादा इजी है इन कंपेयर ऑफ घोड़े को ख़रीदना। घोड़े की कीमत गाइस 18 लाख से स्टार्ट होकर 15-15, 20-20 करोड़ के घोड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान जो कि रजवाड़ाओं की नगरी रहा है और राजा महाराजा यहाँ पर आज भी रहते हैं अपने महलों के अंदर, उनका सबसे पसंदीदा वाहन घोड़ा ही है। हमारे यहाँ के जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पास में आज भी एक से एक नायाब घोड़े हैं। उसी तरह जयपुर में पोलो का क्लब है, वहाँ से भी काफ़ी सारे घोड़े यहाँ पर पुष्कर मेले में आए थे। घोड़ों का शौक जिनको होता है उनका तो कहना ही क्या, क्योंकि एक घोड़े की एक दिन का खर्चा अप्रोक्स 1500 से 3000 का होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सेवाएं उनको दे रहे हैं। ये देखिए गाइस कितने खूबसूरत घोड़े यहाँ पर बंधे हुए हैं बिकने के लिए, कुछ प्रदर्शनी के लिए। और यहाँ के लोकल जो आगंतुक है और बाहर से जो सैलानी आते हैं वह इन घोड़ों को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। माहौल अपने आप में देखते हुए मिलता है। और यहाँ पर देखिए विदेशी सैलानी इस घोड़े को पुचकारते हुए, इंसान हो या जानवर दोनों ही प्यार के भूखे होते हैं। ये देखिए गाइस बहुत ही सुंदर घोड़ा है, यह बंधा हुआ है बाहर की तरफ। ये देखिए गाइस यह भी मतलब घोड़ा यार सुपर यार, क्या मजा आ जाता है। इसीलिए मतलब शरीर जो है वो जान आ जाती है ऐसे, काश मैं भी इस घोड़े पे बैठ के और काफी दूर तक सवारी करके आता।
ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक महाराज भी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी बग्घी के अंदर बैठकर। और ये देखिए, ये उनकी बग्घी है और यहाँ बैठे हैं महाराज। हमें नहीं पता ये कौन से महाराज हैं, लेकिन इनका वर्चस्व यहाँ पर काफ़ी है, काफ़ी लोग इनके पास में बैठे हुए हैं। और गाइस दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब यहाँ के सबसे खूबसूरत और सबसे महंगे घोड़े, जी हाँ गाइस, इस घोड़े की कीमत 10 करोड़ की है। और इतना प्यारा घोड़ा है गाइस, जिसका जवाब नहीं है। अभी देखिए किस तरह से ये जो है वो मतलब हिल डुल रहा है, और इसकी कद देखिए, काठी देखिए, इसके मसल्स देखिए, सुपर यार, मज़ा आ गया। ऐसा घोड़ा मिल जाए ना तो गाइस मज़ा ही आ जाए लाइफ का। बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल यार, क्या इसका एक्शन देखिए, कितना इसका सॉलिड एक्शन है यार। और ये देखिए गाइस, क्या मज़ा दे रहा है ये घोड़ा। और इसका देखिए, इसी का दूसरा एक भाई यहाँ पर स्थित है, और इसके जो सिर के ऊपर देखिए कितना तिलक लगा हुआ है। ऐसे घोड़े यार सच में दिल मोह लेते हैं। तो गाइस वक्त हो चला है अब इस मेले से रुखसत होने का। 2023 का मेला हुआ कंप्लीट, अब मिलेंगे 2024 के अंदर। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स पे बनाए रखिएगा। आगे के मंदिर कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।